बोलिए संबित जी बोलिए। देखिए देखिए रोहित जी, ये हम डिबेट कर रहे हैं, इससे दुखद विषय कुछ नहीं हो सकता है। सोचिए हम क्या डिबेट करना पड़ रहा है। आप क्यों ये डिबेट कर रहे हैं? क्योंकि पांच पांच छह, आपने अभी तो भी एक बोल व्यक्ति रहे हैं का गुप्ता पूछा जी को, है, पांच पांच छह सही तो छह अभी भी कांग्रेस के लगातार बोल रहे हैं प्रवक्ताओं सर, ने डिबेट ट्वीट क्या कर किया रहे है, हैं। मैं एक गुप्ता एक जी करके को तो लग दिखाता रहा है हूं। वर्चुअल रैली है, उनके लिए रखवाई गई है, वो पूरा मतलब भाषण देके चले सोचिए जाएं और और क्यों कोई ना करना बोले पड़ रहा है, उसमें। ये बता रहा हूं वो तो अभी भी बोल रहे हैं जी। लगातार, देखिए श्रीवत्स बताइए करके, ना सेट लगाया था क्या एक पीएम के श्रीवत्स लिए। करके इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हाँ मैं बता रहा हूं, श्रीवत्स करके इनके अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। उनका ट्वीट सुनिए, 56-inch टमी इज द फर्स्ट पीएम टू कॉल अ कॉन्फ्रेंस रूम एज अ हॉस्पिटल वार्ड, इवन ऑस्कर्स फॉल शॉर्ट फॉर सच एक्टिंग। कि ये सब जो सेट लगा के प्रधानमंत्री ने कल नकली पेशेंट रखे वहां पर और नकली भाषण दिया, ये ऑस्कर के लिए होता है। इनको सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है, इनको एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है, इनको सेना अध्यक्ष, ये सम्मान करते हैं सेना का, सेना अध्यक्ष इन्हें सड़क का गुंडा लगता है, सड़क छाप गुंडा कहते हैं उसको, ये सेना पे विश्वास नहीं है। पीएम कहते हैं 1 इंच जमीन पर किसी का अत्यार नहीं हुआ है, कोई पोस्ट नहीं छीनी है, तो कहते हैं पीएम डरपोक है, छुपा हुआ है, झूठा है, उस पर विश्वास नहीं है। अस्पताल में वहां हमारे जाबाज सिपाही जो लोग हताहत हुए थे, और देखिए सिपाहियों में एक गुण होता है, सिपाहियों के अगर हाथ पैर में चोट भी होती है, लिगामेंट और टेंडन फ्रैक्चर भी हो जाता है, जब उनके बड़े अधिकारी आते हैं उसमें भी वो कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सावधानी से बैठे रहे, वो उनका एक चरित्र होता है, वो उनके अंदर इनबिल्ट हो जाता है, उसमें भी वो डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। उस अस्पताल पर भी विश्वास नहीं, मंत्रालय को उसमें सर्टिफिकेट करना पड़ा कि नहीं भाई कोविड का बाकी आइसोलेशन हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, इस कॉन्फ्रेंस हॉल को टेम्पररी हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करके इनको रखा गया है ताकि ये कोविड से संक्रमित ना हो जाए। ये पूरी की पूरी चिट्ठी आज मंत्रालय ने रिलीज किया है, सबके पास है। देखिए मैं बोलता हूं ऑस्कर किसको मिलना चाहिए, मुझे विश्वास हो गया है आज, और मुझे वहां रोकिएगा मत, कृपया डॉक्टर की मुझे जरूरत नहीं होती विश्वास है, है कि सोनिया जी जो और उन्हें राहुल जी सवाल उठाने हिंदुस्तान चाहिए। ही आपकी नहीं है। बात करिए, आपको नहीं, मिलना एक सेकंड, चाहिए मैं सफाई आ गई, जो मैं सवाल कंप्लीट कर सरकार रहा पे हूं, था इसको मैं रोहन मैं जी प्लीज को सवाल कंप्लीट कर लूं, मैं रखिए। रोहन बिल्कुल, जी, हाँ रोहन मैं जी, कंप्लीट कर रोहन लूं, जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं रोहन जी, प्लीज कंप्लीट आपने कर मेरे लूं, लिए तमाम तरह प्लीज के अपशब्द कंप्लीट कर इस्तेमाल लूं। किए, फिर भी मैं आपसे निवेदन मैं कर रहा हूँ, इज्जत नहीं की है, मैंने एक एक आपको, करके मैंने बोलेंगे आपको अच्छा बोली, लगेगा, मैंने नहीं बोला हमने रोहित केवल जी, दो लोग रखे हैं, मैंने आपको, ये दोनों मिलके बात कर लें अच्छे से। मैं कंप्लीट देखिए कर लूं, रोहन जी मैं प्लीज, कंप्लीट कर लूं, रोहन जी उनको ये कितना देश की नहीं सुना, जनता तय बहुत दिन करती सुना, है, अगर दंगल बहुत नाम दिन इसलिए सुना, कि मैं रेफरी लेकिन जनता है, पूछना मैं चाहूंगा रेफरी मैं, नहीं हूं। हाँ मेरी बात सुन लीजिए रोहन जी, रोहन ठीक, जी अगर मैं बीच फिर ऐसा ऐसा कर करने दूंगा में कि तो एक अच्छा आदमी नहीं बोलेगा सुनेंगे दूसरे की आवाज लोग, बंद तब रहेगी, बस सुनेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा अगर, आपको, वो अच्छा लगेगा नहीं आपको रोहन सुनिए जी, ठीक है सुनिए, अच्छा मैं क्या लगेगा करूं रोहित रोहित जी, जी, नहीं ये अच्छा रूल बना लगेगा ही ना, दीजिए, आप ये लोग रूल पांडे बना के ही पुराने दीजिए स्वभाव कि में से कम एक से कम, हैं, देखिए मैं एक राज्य विस्तार की ही पूरी गया, एक्सेल आप को हेड करते हैं सर, क्या आप लोगों को सिखाएंगे लगातार चिल्लाते रहेंगे ऐसे, तो मत एक सिखाइए एक हमको, करके मत बोल लीजिए, सिखाइए अच्छा हमको लगता आता है है, ना, आप मत आपको भी सिखाइए, अच्छा मत लगेगा, सिखाइए, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। रोहन जी प्लीज, मैं आपको सिखा भी नहीं जय सकता, क्या आप मैं जानता हूं प्लीज मुझे मत कहां बीन आइए, बजानी आप कहां मुझे नहीं, आपसे लेकिन क्या प्लीज मतलब, रुक हमारे के, दिल में राष्ट्र अब हमको रुक के सीखना भी प्लीज नहीं है आपसे, प्लीज सर प्लीज। रोहन जी आवाज डाउन है, संबित पूरा कर रहे हैं, फिर आपके पास आऊं। संबित पात्रा बोलिए, वहां उनको ड्रिप नहीं दिखी, उनको डॉक्टर नहीं दिखा, वो कह रहे हैं हमें शक होता है, देखिए अब मुझे बताइए इस, संबित पात्रा। देखिए जिसकी जिसके पास बुद्धि नहीं ना, उसको बुद्धि की इंजेक्शन, हम रोज रोज शाम को आके 5 बजे बुद्धि की इंजेक्शन नहीं मिलती है बाजार में, वो अपने आप डीएनए में होता है, अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उनको नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम। मगर मैं इतना कह सकता हूं, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है कि भारत को, भारत की आर्मी को और भारत के पीएम को ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, मैं बताता हूं ऑस्कर अवार्ड किसको देना चाहिए। इतने वर्ष जो भारत में रह के इटली से आके माँ बेटा यहां भारतीय की एक्टिंग कर रहे हैं और चीन के एजेंट का काम कर रहे हैं, ऑस्कर गोज टू क्वीन विक्टोरिया एंड द क्राउन प्रिंस। ये क्वीन विक्टोरिया और क्राउन प्रिंस को, मैं बता रहा हूं, अगले ऑस्कर अवार्ड में इन्हीं को देखिए मिलना चाहिए, और मैं ये गुस्से से बोल रहा हूं, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। रोज 5 बजे से 10 बजे रात तक यही एक्सप्लेन करते रहे कि प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल रहा है, हिंदुस्तान की आर्मी ने बहुत साहस के साथ लड़ाई की, हमारे वाकई लोग शहीद हुए हैं, उनको चोटें आई हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, ये अस्पताल है, अस्पताल के बेड पे ये आर्मी के जवान हैं, ये के भाड़े के लोग नहीं बैठाए हुए हैं, ये सब बैठ के हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अरे धिक्कार है, चाइना से लड़ भी लेंगे जीत भी लेंगे, मगर देश के अंदर इन जयचंदों का क्या करेंगे, आप मुझे बताइए क्या करेंगे इन जयचंदों का। ओके, रोहन गुप्ता बोलिए। अब देखिए रोहित जी, पहले आपके वहां से ऑडियो नहीं कनेक्ट था, मेरी आदत है, मैं हर चीज का जवाब देता हूं, क्योंकि हम सच लेके यहां पे बैठे हैं, हमको झूठ फैलाने की आदत नहीं।
ये क्वीन विक्टोरिया की जो बात कर रहे हैं उनके मुंह से आएगा ही, क्योंकि उनका तो पुराना प्यार है, उनके वंशज भी उनके पांव छूते थे आजादी की लड़ाई में, देश के खिलाफ खड़े हुए थे, कांग्रेस देश के लिए लड़ रहा था और ये क्वीन विक्टोरिया के वहां पे आत्मसमर्पण कर रहे थे। तो मैं इनकी गलती नहीं मानता हूँ, ये इनकी मजबूरी है। और डॉक्टर एक तरीके से झूठ को, सफेद झूठ को, झूठ को बोलते हैं हाथ पांव नहीं होते हैं, यहाँ पे झूठ को नाक भी नहीं है। और जिस प्रकार से डॉक्टर आ जाते हैं अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, हर चीज का मजाक बनाते हुए, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं देखिए रोहित जी, मैं आज दिल से इमोशनली ये बात कर रहा हूँ, मैं आज बिल्कुल भारतीय नागरिक के तौर पर आया हूँ, जो हर जगह पे है कि चीन हमारी जमीन पे घुसा है, गालवान की फोटो है, मैं ये सब लेके आया हूँ। जब मैं कन्विंस्ड हूँ एज अ भारतीय के नाते, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि सच तो दिखाइए। प्रधानमंत्री जो करे उनका हक है, अधिकार है, सारे प्रधानमंत्री ने किया है, सैन्य का मनोबल बढ़ाइए, हम आपके साथ में, पूरा जोश भर दीजिए, हम आपके साथ में, पर वेर इज द एक्शन? आप हमारे सैनिक, हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं रोहित जी, हम ये डिबेट नॉर्मल डिबेट नहीं कर रहे हैं कि न्यूज आ गया कि चाइना ने इंकर्शन किया, हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हमारी 20 जवानों की शहीदी के बाद डिबेट कर रहे हैं। वेर इज द एक्शन? पूरे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जब मैं सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, उसका भी जवाब नहीं दे रहे। अरे राष्ट्रवाद की आड़ में हर बार ये नाटक नहीं कर सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। और हर बार ये हुआ रोहित जी, देश की जनता ने इमोशनली मोदी जी को सपोर्ट किया, नोटबंदी की लाइन में राष्ट्रवाद के नाम पे लगा दिया, 100 लोग मर गए, आज तक उसका जवाब नहीं मिला कि क्या फायदा हुआ नोटबंदी का, 370 की बात की, आज भी आतंकवादी हमारे सैनिकों को मार रहे, उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है रोहित जी, भारतीय के नाते आज भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है? मैंने रणदीप सुरजेवाला जी का ट्वीट देखा, और ये डॉक्टर जैसे लोग यहाँ पे आके जो नाटक करते हैं रोहन, क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है? पुराने हो गए, ये सब पुराना नाटक हो गया, हम लोगों के सामने ये नाटक नहीं चलेगा।